मानवता की रसोई की मुहिम, भूखी को भोजन, प्यासे को पानी, मानवता को उजागर करने वाले काम के साथ एक बार युवा समाज सेविका श्रीमती लक्ष्मी माथुर जी फिर से सामने आए। मानवता की रसोई की एक मुहिम के तहत पीएसी मोरहंस मंदिर के पास लगभग 700 लोगों को निःशुल्क जल व भोजन का वितरण किया गया है। ये मुहिम शहर के कई कोनों में आज के दिन चली व मुख्य रूप से 3 अलग अलग बस्तियों में वितरण चला। समाज सेविका से पूछा गया तो उन्होंने इस कार्यक्रम को करके संदेश दिया कि भूख से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, वह उन्हें बहुत प्रसन्न है। ऐसे नेक कामों को करके पूछने पे बताया है कि वह आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को औरते हुए नजर आएंगी। आज ये मानवता की रसोई के साथ ये पहला कार्यक्रम था जो कि लक्ष्मी माथुर जी ने करवाया। इस कार्यक्रम में कई लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई जिसमें मुख्य रूप से मनहर कांत गेहली, संस्थापक मानवता की रसोई, दीपक राणा जी, आलोक जी, शिवा व शिव कुमार जी मौजूद रहे। बेंगलुरु रिपोर्ट।